ये घी है बटर 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 ना बटर मैं दाउड के उबड़ा अभी रे साड़ा मेरा तो क्यों वाला ऐसी ये हार्ट अटैक नो चैलेंज कर रहे हैं देखते हैं आंधा कि नहीं आता पाए हैं हूँ साउथ दी नंबर वन कॉफी शॉप थे तुसी ना एक्साइटमेंट चेक करो इदी आजा आजा ओह माय गॉड बहुत अच्छी मशीन है सर इसकी कॉस्ट क्या है सर करीब करीब अराउंड 3.5 CR की मशीन है ये आपको खाली आटा डालना है मशीन डिसाइड करेगा कितना पानी कितने टाइम पे लेना है लेट्स ट्राई दिस फ्रेशली बेक्ड मैक्रोन्स दानी को ये एलिफेंट गिफ्ट किया है गुड मॉर्निंग एवरीवन सो आज आप चले हैं होटल तो ब्रेकफास्ट कर लक्ष्मी की भांडी समथिंग लाइक दैट इदा का कुछ जो इतना फेमस है साउथ इंडियन फूड तो उतर ब्रेकफास्ट कर चल रहे हैं दैन विल गो फॉर सम कॉफी प्लेस जो इन्हों की फेमस है हैदराबादी दैट्स नेम इज रोस्टर्स सो हम आप पहले चल रहे हैं ब्रेकफास्ट कर दानी का हेयर स्टाइल देखो अच दानी देखियो दोने माती ब्लैक एंड वाइट बनी हुई हैं मैं भी वाइट हूँ वैसे लो जी अब पहुंच गए लक्ष्मण की बांडी हैदराबाद का फेमस साउथ इंडियन इतने मिलता आ वाह लक्ष्मण की बांडी शॉप देखो लाइक जमा ही ओहो लाइक प्रॉपर ओहो आ लाइक बेसिक बड़े रश पूरा रहता सानू हैदराबादी सारे लेके आए ने सो विल मेक आर ब्रेक सो विल डू आर ब्रेकफास्ट हियर वाओ ऑयल वगैरह पूरा लग रहा है ये घी है बटर 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 मतलब इतना बटर बाकी क्रिस्पी होगा नहीं निकल रहे हैं तो करा ना Oh my God! मैं दाउड के उबड़ा अभी रे साड़ा। मेरा तो क्यों वाला मुंह? रमन? ऐना नू क्या मैं दाउड को क्यों उबड़ा उड़ा? यार एक कप पानी कर दिया, चार खाने हैं, विदाउट घी खाने हैं, विदाउट बटर। तू मम्मी खा ला भरावा एक कड़छी भर के की ओदी पाई आ मैं दो पवाना ओ माय गॉड मेरी गल सुनो असी आज हार्ट अटैक नु चैलेंज कर रहे हैं असी ये हार्ट अटैक नु चैलेंज कर रहे हैं देखते हैं आंदा कि नहीं आंदा ये चैलेंज आज भैया एक कड़छी भर के की ओदी भैया अपना दो डोसे लगा ना दो डोसे यार जैसा अपना ये बना रहे हैं ना सबसे ज़्यादा घी वाला डोसा मैंने आज देखा ओए 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 भैया दिन में कितनी लग जाते हैं डोसे उसके गिनते ना रहते ना सब 1000 2000 3000 कितने लग जाते हैं एक मिनट पहले हिसाब नहीं रखा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਚਾਲੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਸੂਰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਮਸੂਰ ਭਾਜੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਜੀ ਮਸੂਰ ਭਾਜੀ ਮਸੂਰ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਯਮੀ ਦਾਨੀ ਯਮੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਵਾਏ ਆਪਦੇ ਡੋਸੇ ਵਿਦਆਊਟ ਘੀ ਤਿੰਨ पावने लवाया अपना बटर बटर मसाला कौन क्या जेड़ा तेरा स्पेशल ला बटर मसाला पेपर बटर मसाला पेपर बटर मसाला चलो ट्राई कर दे केड़ा बढ़िया लगया ये थोड़ा वो है ना मीठा या हल्का या ती दसो ना कि इसमें स्पेशल है बिना सांभर तो डोसा दे करे सही गल है ये डोसा विदाउट सांभर आ तो ये सिर्फ आ दो सॉसेस देंगे लाइक एक कोकोनट चटनी आपका ये कितने साल से है ये हमारा 50 साल के ऊपर से है 50 साल के ऊपर आपने सांभर क्यों नहीं रखा हमारे सबसे पहले तो ग्रीन चटनी मेन है अपनी
जो कि हमारे दादा बनाए थे, दादा बनाए थे, दादा के जब से यही चटनी चलती है अपने। ओके, तो उसके लिए ओनली ग्रीन एंड व्हाइट चटनी रहता है। राइट, मैंने पहले भी यार देखा है किसी किसी जगह का डोसा जो विदाउट सांभर है। अच्छा, हमारे पास सिंस 50 ईयर से ओनली चटनी है। तो एक एक महीने में सॉरी एक दिन में कितने डोसे बेच लेते हो? उतना तो अंदाजा नहीं रहता, हजार दो हजार सुबह से शाम तक। कितने हजार? दो हजार, तीन हजार? उतना तो हिसाब नहीं रहता, हजार दो हजार का। क्यों बोलते, जैसा क्राउड आते रहता वैसा कंटिन्यूअसली बनते रह जाएगा। ये कंटिन्यूअसली बनते रहे सारा? हाँ हाँ, सब कंटिन्यू, अंदर से लेकर बाहर तक पूरा कंटिन्यू बनते रहे। ओके, ये हैगा भाई करमपुरा बटर करमपुरा इडली, इन्होंने फोन पे स्पेशल दस्ती है बटर करमपुरा इडली। लेट्स ट्राई दिस, ट्राई कर पाओ। आ दानी ने बहुत सवाल लग गया, यम्मी यम्मी यम्मी। क्या मैं बाबू ठीक है, मसाला है पाया, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है। बोलो ठीक ठीक है। हाँ, इडली और इडली है। राइट, सो एदे च बटर है नहीं? बटर ज्यादा है एदे च? बटर है नहीं इदे च? ओदे च है नहीं? ऐच पनीर वाला रमन, एदे च बटर है नहीं? नाड़े के ना है नहीं अन्ना हल्दी वाला मैं कहे। अच्छा, एदे च बटर है, ओदे च है नहीं? इदे च बटर है नहीं आदे च। परी किवें आ? बड़ा डोसा बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, देख लो विदाउट सांभर। जिहड़ी ये चटनी है ना हरी, इहदे दादे ने बनाई थी 50 साल पहला, ते ओ रेसिपी आ। पर इहनां दे दादे ने चटनी बनाती, थोड़े दादे ने की बनाया? कुछ भी नहीं, साडे साडा बुद्धू बनाया। सो डोसा आपां खा लिया, इट्स सो यम। मतलब पहली बारी डोसा खाधा विदाउट सांभर, ते ए साडा इहनां दी चटनी दा ही कमाल आ। ये चटनी दे ग्रीन चटनी दे सिर ते जिहड़ी इहदे दादे ने बनाई आ उहदे सिर ते बेचे जांदे आ। मतलब सो गुड यार, सो गुड। स्टिल देखो रश, मतलब ही सैड कि साडा रश रात तक ही रहिंदा। मतलब मैं पुछया सीगा उदू बाद भी होना ना, मैं कहा एक दिन दे किन्ने क डोसे हो जांदे आ? कहिंदा एक हमारा बाहर ये है टेबल, एक अंदर टेबल है, तो दोनों हमारे पूरे घंटे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका ओपनिंग आवर्स हैं 15 घंटे, तो एक घंटे में 60 डोसे बनाते हैं, 60 120। तो अगर 15 घंटे का भी लगाएं तो अप्रॉक्सीमेटली नाना करते भी 600 ते 900 ते 1800। हाँ, सो 1800 डोसे ही मिनिमम बेच देंगे। तो प्राइस अजे मैं नहीं पता कहना वा क्योंकि बिल देना, बट इट्स सो गुड, सो गुड जी। हम आप आए हैं श्री शगुन मिठाई वाटिका से, तो असं इन्हों की कचोरियाँ खा रहे हैं, फेमस ने इतने दियाँ बहुत, तो आप खा के तुहानू रिव्यू दसांगे कहो जी है। तो यह पूरे हैदराबाद के मशहूर है। साउथ दी नंबर वन कॉफी शॉप ते, साउथ दी सारे साउथ दी। सो दिस इज रोज कॉफी एंड कलनरी एक्सपीरियंस। सो ये सारा रश जितना भी होता है ये कॉफी का है। सो दिस इज रोज, सो हम इस शॉप पे जा रहे हैं। कहते साउथ दी सब तो कैंट कॉफी, चलो चलिए। No outside cakes, only roast cakes. Let's go. So this is the coffee shop. Ethon de cakes is so good. Well, look at this. Wow. Machines are my favorite part. ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪ ਕਿਵੇਂ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਟੇਸਟ ਕਰ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਜੈਲੇਟੋਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉ ਟੇਸਟ, ਮੈਂਗੋ। ਦੇਨੀ ਖਾ ਲਓ। ਯਮੀ ਮੈਂਗੋ, ਯਮੀ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। This is cranberry, apple and cinnamon, ginger dot,
दिस इज अमेजिंग अमेजिंग मतलब यह जी शॉप मैंने देखी कदे सो गुड यार की बंदा ट्राई करूँ रसबेरी सॉर्बे यम मैम ये सारे इनहाउस है सारे इनहाउस बनता है ब्लूबेरी चीज केक सो गुड स्ट्रॉबेरी योगर्ट सो दिस इज लीची कोकोनट इसको यमी नहीं लगा इसका मैंगो फ्लेवर है दिस इज पिस्टेचियो यम सो यम वेरी लेस इन शुगर इट्स मिल्क चॉकलेट It's 55% chocolate. ये भी मेरा ट्राई कर रही है This is caramel. Caramel is good. Ferrero Rocher. So good. Vanilla the best version. जाने तो ले नहीं सकता sorry. This is coffee arabica, best one. So this is chocolate brownie. My favorite nahi hai, so still I'm trying. It's good. We'll try Biscoff, jo Dani ka bhi favorite hai. Dani, ye khao. Biscoff. So good. एक असी मैंगो लस्सी जलैटो लिया दिस इज मैंगो लस्सी जलैटो एंड नहीं सॉरी दिस इज मैंगो लस्सी जलैटो एंड दिस इज मैंगो चीज़ केक एंड आ हैगा वह ग्रैंड क्रू चॉकलेट सो ये है इनका रोस्ट स्पेशल सो लेट्स ट्राई दिस ओह माय गॉड लुक एट दिस यार सो गुड बेकरी इज सो गुड बस खत्म हो गया और मेरे और मंग रही वी हैव ऑर्डर्ड दिस स्पेशल रोस्ट कॉफी फ्रैपे अब देखिए कि मैं दिया पासा मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है माइल्ड है लेकिन बढ़िया लेट्स ट्राई दिस हेजलनट ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਫੇਮਸ ਆ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧੂ ਆਇਆ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਟਲ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਆਹ ਯੰਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਪਾਵ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਯੰਮੀ ਯਾਰ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਨੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਾ ਕਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਾਡਨਰੀ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਆ ਮੈਲਟਡ ਆ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਰਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਫੀਮੇਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ My cappuccino with hazelnut flavor. No. Let's try this. See the excitement check karo edi. Masa dekh ke na edi excitement. Aaja. Aaja.
सो हुण मैं तुहानू दिखाउण लग्गिया इन्हां दी कॉफी मशीन जस्ट चैक इट आउट ओ माई गॉड आ देख रहे हो एड्डी वड्डी मशीन जो सिर्फ कॉफी रोस्ट कर दी है इहदी एंट्री करन देणगे इह मैनू लेट्स सी इधर बैक बैकयार्ड राइट आ दे इधर भी कितना बड़ा बहुत बड़ा बनाया है एंड इधरली साइड कंस्ट्रक्शन चल रही है कोई ओ कार पार्किंग है ना दी ना पिज़्ज़ा भी कहते बहुत स्वाद है सो वी हैव मिस्टर उर्वक्ष विद अस जो अभी हम बताएंगे ये मशीन है क्या सो क्या पर्पस है सो सर आप मुझे बताओगे इसका प्रॉपरली काम क्या है आपने यहाँ पे रोस्ट पे क्यों लगाई है सर ये एक कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन है जब कॉफ़ी आती है तो ग्रीन बीन्स होते हैं उसको रोस्ट करके हम लोग ट्रेडिशनल ब्राउन कलर की जो कॉफ़ी आप लोग देखते हैं जो बीन्स होती है वो यहाँ ये ऐसे रोस्टिंग मशीन में होती है तो ये लोरिंग S70 पे जो मशीन है इंडिया की पहली S70 है ओ इंडिया की फर्स्ट मशीन है ये जी S70 इंडिया की पहली है ये और ये एक हॉट एयर रोस्टर है एक ट्रेडिशनल ड्रम रोस्टर और इसमें ये डिफरेंस है कि ये हॉट एयर ज़्यादा यूज़ करता है और कंडक्शन हीट रिलेटिवली कम यूज़ करता है राइट तो इसलिए इस वजह से इसका जो बीन डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा इवन होता है और दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी बहुत कम हो जाती है क्योंकि मेरा एनर्जी वेस्टेज कम हो जाता है ओके क्या सर इसका क्या है अगर कितने बीन्स आप रॉ डालते हो क्या रोस्टेड कितने निकलता है क्या सर अगर इस मशीन में मैंने 70 केजीज ग्रीन कॉफ़ी अगर मैंने लोड की तो करीब करीब मेरे को 58 केजीज का रोस्टेड बीन्स का आउटपुट आएगा तो सर हम देख सकते एवरेज 14 मिनट्स रोस्टिंग करने के बाद इसमें क्या है तो ये रोस्टेड कॉफ़ी है सर ओके अरे वाह या सो दिस इज द रोस्टेड कॉफ़ी सो बिटवीन द अरबिकाज एंड द रोबस्टाज हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस है प्रोसेसेस मतलब बेसिकली अरबिका हो या रोबस्टा हो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं चेरी और सीड को अलग करते हैं okay. वो चेरी और सीड को किस तरह से अलग किया है वो डिसाइड करेगा ये क्या प्रोसेस है अगर चेरी को सीधा लेके धूप में सुखा दिया तो वो सनड्राइड प्रोसेस हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है okay. तो क्या प्रोसेस की है हमारे पास 8 डिफरेंट प्रोसेस की अरबिका और रोबस्टा हर डिफरेंट है जी जी ओके और सर इसको सेल भी करते हो बीन्स हम इसको सेल करते हैं सर B2C करते हैं रिटेल करते हैं B2B भी करते हैं और वाइट लेबलिंग भी करते हैं किसी को खुद का अगर पैकेजिंग बनाना है तो हमारे पास रोस्टिंग करवा के बना सकते हैं और ऑलरेडी जो रोस्टर्स कॉफ़ी रोस्ट कर रहे हैं मार्केट में उनको अगर लोरिंग फैसिलिटी यूज़ करनी है तो हम इसको कोवर्किंग स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं Oh, that's good. We rent it out. You can use it as a co-working space. That's good. बहुत अच्छी मशीन है सर इसकी कॉस्ट क्या है सर करीब करीब अराउंड 3.5 CR की मशीन है ये कहाँ से मंगवाते हो आप ये US की मशीन है US और इट हैज़ अ लीड टाइम ऑफ 2 ईयर्स अगर आपने आज ऑर्डर प्लेस किया तो 2 साल के बाद आपको डिलीवर होगी गॉट इट सो गुड सर नाइस एक्सपीरियंस सर सो दिस इज़ द बीन कार्ट दैट यू आर सीइंग राइट हियर सो इसमें हम लोग हमारे ग्रीन कॉफ़ी लोड करते ग्रीन कॉफ़ी लोड करने के बाद वैक्यूम से ये पूरी कॉफ़ी पिकअप होके हॉपर में चले जाती है ओके और ये हाई चार्ज मैग्नेट है जो आप देख रहे हो तो कभी कभी होता है कि ये बैग्स में थोड़े से स्टोन्स वगैरह रह जाते हैं तो ये मैग्नेट्स पूरे स्टोन्स को पकड़ लेता है तो राइट जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टोन है जी गॉट इट तो ये स्टोन्स को मशीन में जाने नहीं देता राइट तो यू कैन थ्रो इट सो व्हेन इट इज़ इन द हॉपर मशीन जब गर्म हो जाती है हम हॉपर से इसमें डालते हैं बीन्स को रोस्टिंग होती है रोस्टिंग होने के बाद यहाँ पे कूलिंग ट्रे में आती है जब कॉफ़ी रोस्ट होकर बाहर आती है इट इज़ रफली अराउंड द टेम्परेचर ऑफ 210 डिग्रीज इसको हम लोग कूल करते हैं 24 डिग्रीज टेम्परेचर पे 4.5 मिनट के अंदर ये इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमने रोस्टिंग के टाइम पे इसमें शुगर्स और बिटरनेस प्रोड्यूस किया अभी रोस्टिंग को हम स्टॉप नहीं करेंगे तो बिटरनेस बढ़ती जाएगी और जो नेचुरल शुगर्स जो हमने क्रिएट किए वो हो जाएंगे बिटरनेस की वजह से right.
तो टू रिटेन दैट स्वीटनेस एंड टू कंट्रोल द बिटरनेस वी कूल्ड इट डाउन इन अ विंडो ऑफ 4.5 to 7 minutes. उसके बाद हम लोग डब्बे में डाल के डी गैसिंग करते हैं 48 आवर्स के लिए और फिर 7 days के लिए पाउचेस में डाल के डी गैसिंग करते हैं. वो क्या चीज़ है सर? सर दैट इज़ अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी ऑफ द लोरिंग. ये इसका बर्नर है. इसका बर्नर मशीन से अलग है. ये बर्नर जो है एक पायलट फ्लेम क्रिएट करता है जो टेम्परेचर जनरेट करता है 900 degrees के. ओके 900 डिग्री के जो टेम्परेचर जनरेट होते हैं उससे जो हॉट एयर जनरेट होती है वो एक डक्ट के थ्रू ड्रम में जाती है. और ड्रम में हॉट एयर पेडल्स घूमते रहते हैं जो हॉट एयर से बीन्स को घुमा के रोस्टिंग करते हैं. गॉट इट. राइट सर, इट्स अ वेरी गुड मशीन. लाइक मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है. चलो अब कॉफ़ी ट्राई करते हैं सर. आई विल शो यू अदर स्टॉप आल्सो. ओह या प्लीज डू. यस दिस इज अ कॉफी. दिस इज अ कॉफी लैब एंड द कॉफी ट्रेनिंग सेंटर. ओके ये आपका कॉफी लैब है जी. राइट यहाँ पे वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ बीन टू कप एक्सपीरियंस. So the plants that you see here are actually coffee plants. We have kept it here for representation purpose. That corner is a coffee museum. These equipments that you see here are vintage coffee home brewing machines which were used in some European households. Alright. तो हम लोगों ने वो घरों से actually source करके यहाँ पे लगाया है. ये हमारी क्या बोलते हैं इसको barista training facility है. जहाँ पे अगर गेस्ट और एनीबडी एनी एस्पायरिंग बरिस्ता हु वांट्स टू लर्न हाउ टू डू लाटे आर्ट हाउ टू मेक कैपेचिनोज लाटे करवाते हो तो हम लोग जब वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं. ऑलराइट दिस इज़ आवर सैम्पल रोस्टर. तो जब हमारे पास कॉफ़ी एस्टेट से बीन्स नए आते हैं विच वी हैव नॉट वर्कड विद बिफोर और हमको प्रोफाइल्स डेवलप करनी होती है तो पहले हम ये बीन्स ऐसे आते हैं हमारे पास. दिस इज़ वॉट ग्रीन कॉफ़ी लुक्स लाइक. ओके तो वो ग्रीन कॉफ़ी को हम लोग सेम कॉफ़ी को अलग अलग प्रोफाइल पे रोस्ट करते हैं. लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट, डार्क रोस्ट. उसके बाद हमारी टीम 4 से ज़्यादा लोगों की टीम उसको कप करती है और डिसाइड करती है कि ओके दिस पर्टिकुलर प्रोसेस्ड कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग बेटर ऑन अ लाइटर रोस्ट, दिस पर्टिकुलर कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग बेटर ऑन अ डार्कर रोस्ट. फिर हम डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है ये प्रोफाइल वहाँ पर लोरिंग में यूज़ करते हैं वो कॉफ़ी में ये प्रोफाइल जी. तो सो दिस इज़ अ मैनुअल ब्रूइंग स्टेशन. So Roast CCX has a retail section downstairs which sells all these machines. These are home brewing coffee machines, everything that you see here. So for people to buy these, मुझे भी दे दो home brewing के लिए. जी जी तो जिसको समझना मतलब किस बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या मशीन क्या काम करती है. हर मशीन डिफरेंट प्रोडक्ट देती है. सेम कॉफी अगर आप डिफरेंट मशीन से बनाओगे आउटपुट आपको डिफरेंट मिलेगा. ओके तो इसलिए गेस्टों को फैमिलियराइज करने के लिए कि क्या मशीन कैसे परफॉर्म करती है और उनको कैसे मशीन का टेस्ट पसंद आता है हम लोग ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग मैनुअल ब्रूइंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं. राइट ये हमारी पैकेजिंग फैसिलिटी है जहाँ से हमारे B2C B2B ऑर्डर्स प्रिपेयर होते हैं. ये हमारा बैंकवेट टाइप ऑफ सेटअप है जहाँ पर हम लोग कॉरपोरेट इवेंट्स या प्रोडक्ट लॉन्च हो गया या बर्थडे पार्टीज हो गई तो यहाँ पर कर सकते हैं ताकि रेस्टोरेंट में गेस्ट डिस्टर्ब ना हो और आपके गेस्टों को भी प्राइवेसी मिल सके. गॉट इट. टेबल है सर तो ये हम लोग पूरे प्लेस आपको रेंट आउट कर देते हैं. 14-15 लोगों का अगर एक्सक्लूसिव इवेंट करना है बहुत VVIP गेस्ट है डिस्टर्ब नहीं करना किसी ने तो आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. आपको शेफ मिल जाएगा सर्वर मिल जाएगा जो आपको और आपके गेस्टों को देखेंगे सर. अगर आपको चाहिए तो आप खुद का शेफ लेके आके ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. ओह दैट्स गुड. इतना बड़ा आउटलेट ना ही किसी ने देखा है ना मैंने देखा है. ये हमारा 36 सीटर का होम थिएटर है जिसको होम थिएटर है जी. आप रेंट आउट कर सकते हैं पूरा अपने फैमिली के लिए. 30 रेगुलर सीटर है, 6 रिक्लाइनर है और बारकोस प्रोजेक्शन यूज हुआ है इसमें. कौन सा प्रोजेक्शन है? बारकोस प्रोजेक्शन. ये सेम प्रोजेक्शन होता है बारकोस फैसिलिटी. PVR भी यूज़ करता है, AMB सिनेमाज भी यूज़ करता है. राइट और जो स्पीकर्स है वो QSC के स्पीकर्स है और ये बारकोस में सैटेलाइट कनेक्शन है मतलब क्यूब कनेक्शन है. इसका मतलब कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी जो आज रिलीज हुई है आप क्यूब के थ्रू रेंट आउट करके इसमें देख सकते हो. सो हम अपन चल रहे हैं किचन में. किचन सो दिस इज द किचन. तो ये हमारी बेकरी और पेस्ट्री किचन है. तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोजॉन्स बनते हैं. जो क्रोजॉन्स को जो शीटिंग करनी होती है वो ये ऑटोमेटिक शीटर में शीट्स बन जाते हैं इसके जिसमें आटे में वो लोग बटर डाल के शीटिंग करते हैं लेयर्स बनाते हैं. उसके बाद वो जो बेल्ट देख रहे हो आप वहाँ पे कटिंग हो जाती है क्रोजॉन की और ये जो वाइट कलर का प्लेटफॉर्म देख रहे हो वहाँ पे मैन्युअली रोलिंग होती है. ओके
ये इनकी स्केलिंग एरिया है जहाँ पे आपकी रेसिपीज़ को मेजर करते हैं, बनाने से पहले मेजर करते हैं। ये ऑटोमेटिक डो मिक्सर्स हो गए, ये ऑटोमेटिक डो मिक्सर्स में 80 किलो डो एक साथ बना सकते हैं आप। आपको खाली आटा डालना है, मशीन डिसाइड करेगा कितना पानी कितने टाइम पे लेना है। ओके, तो ये डो मिक्सर्स विद आर्म्स है। सो ये डो मिक्सर्स में कुछ कुछ डो में आटा ज़्यादा लगता, पानी ज़्यादा लगता है, वैसे डो के लिए स्ट्रेचिंग और नीडिंग हो जाती है आर्म्स के। और ये प्रूफिंग चेम्बर्स है, प्रूफिंग चेम्बर में क्या आपका जो यीस्ट, ये क्रोजोन्स या डो कुछ भी हो गया तो यीस्ट को राइज होने का टाइम देते हैं प्रूफिंग चेम्बर में। सो प्रूफिंग यहाँ पे प्रूफिंग होने के बाद ये प्लेटफॉर्म पे लगा के उसकी एग वॉशिंग कर देते हैं। और यहाँ पे बेकिंग होती है। तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ओवंस है जो आपके सामने है, वो रोटरी ओवंस है। ओके, रोटरी में आपके सॉफ्ट ब्रेड जैसे कि पाव क्रोजॉन वगैरह होते हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं पूरी की पूरी ट्रॉली अंदर चली जाएगी और ट्रॉली रोटेट होने लगती है, इसलिए इसको रोटेट रोटरी ओवन बोलते हैं। ये डेक ओवन है, डेक ओवन में आपके रस्टिक ब्रेड्स बनते हैं जैसे कि सार्डो हो गया, शिया बटा हो गया, फ्रेंच बकेट हो गया, ये सब यहाँ पे बनते हैं। ये कॉम्बी ओवन हो गया, कॉम्बीज अगर कुछ प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करना है इनको तो फिर कॉम्बी ओवन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैक्रोन्स वगैरह हो गए। गॉट इट। तो बेकिंग सेक्शन ये साइड पे है और ये है पेस्ट्री फिनिशिंग और प्रिपरेशन एरिया। ओके, वो जो लैब देख रहे हो आप वो चॉकलेट लैब है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड देयर इन दैट लैब। सो यहाँ पे इनके मैक्रोन्स बनते हैं, फ्रेशली मैक्रोन्स। सो दीज आर द चॉकलेट्स मोल्ड्स जिस पे चॉकलेट बनाया जाता है और चीज़ें बनती हैं। तो सारे जो क्रिएशन है नीचे काउंटर में आप देखे रहेंगे वो सारे इसी मोल्ड में, इसी मोल्ड में चॉकलेट ही है, चॉकलेट के सारे शेप बना के रखे हुए हैं, तो इनको असेंबल करने के बाद क्रिएशन होता है। तो सर यहाँ पे आप सारा चॉकलेट्स बनाते हो? हाँ जी। राइट, सो आपको इतना चॉकलेट देख के कभी ऐसे नहीं लगता कि यार मैं सारे खा जाऊँ? लगता तो ऐसे, लेकिन बहुत सालों से अभी चॉकलेट के साथ ही है, तो हर बार जब नया क्रिएशंस बनाते हैं तो हमेशा लगता है कि खाना भी चाहिए, लेकिन एट द एंड जो क्रिएशन हम लोग बनाते हैं वो हम लोगों को खाने से खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो उसमें जो सुकून मिलता है वो हम लोगों को खाने से भी नहीं मिलता है। राइट, सो ये चॉकलेट्स हैं ना जो आपके, ये मेरी कमजोरी है सर। आपका बेस्ट चॉकलेट कौन सा है इफ आई वुड लाइक टू टेस्ट? डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स हैं सर, उसमें कट प्रालिन से, कट प्रालिन में कस्टमर प्रेफरेंसेस से अभी तक दुलसे बहुत फेमस हो गया है, उसके बाद एमरोबिंग में जो है वो बनाना पैशन बहुत अच्छा है, और उसके बाद फिर बॉनबॉन में सी सॉल्ट कैरमल वन ऑफ द बेस्ट है, तो आप कोई भी टेस्ट कर सकते हो तीनों में से, तीनों में जो तीन फ्लेवर जो है वो काफ़ी फेमस हो गया नीचे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स ट्राई दिस फ्रेशली बेक्ड मैक्रोन्स। वाओ, सो ये दिया है इन्होंने मुझे फ्रेशली बेक्ड मैक्रोन्स। यम्मी, सो यम, फ्रेशली बेक्ड है, सो इट्स सो यम। शेफ ने दानी को ये एलिफेंट गिफ्ट किया है। ये दानी है, दानी यम्मी। आज शेफ ने सानू गिफ्ट किया हाथी। सो आपा खा पी लिया रोस्ट कॉफी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस तुम्हें मैं सारा दिखा चुके हैं। आई रिकमेंड एवरी वन, मतलब एक बार जरूर आओ हैदराबाद, क्या स्पेशल ही खाना, सो गुड यार, सो गुड। सो आप एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं हूँ, तो हूँ अपनी फ्लाइट है लाइक रात के 8:30 8 10 से शायद। हाँ, तो हूँ इतों आप फ्लाई करेंगे बैक टू पंजाब, बैक टू लुधियाना, तो उत्थे जाके 10:30 पहुँचा, थे फिर डिनर डुनर करके 1-2 घर पहुँच जाएंगे। ये है साढ़े खतरों के खिलाड़ी, देखो देखो आप पलटा की पूरी कोशिश ल।
पूरी कोशिश पलटाउन दी। दानी खाजा तू देखो खुश हुई भैया भी ये पलट रहा वा और कली भी चली गई बोर्डिंग करना। आजा दानी एरोप्लेन आ जाओ। एरोप्लेन देख के आओ कितने उत्थे जाके देख के आओ जाओ सामने देख के आओ एरोप्लेन। आप आए हुए हूँ बेबी दे चेंजिंग स्टेशन पर। सो हम दानी का डायपर चेंज किया, दानी के कपड़े चेंज किए, बैठो इतने कपड़े चेंज करके ठीक है। ये हिमालय वालों का खोलिया हुआ वा स्टेशन, तो आप इतने हम बेबी के कपड़े चेंज करके ठीक है। इतों बेबी लिए जो लोशन या बॉडी वॉश चाहिए वो ला के, सो बेबीज रेडी। देखो बेबीज रेडी रेडी ये सो देखो आए रखे होंगे बच्चों का बॉडी वॉश लोशन ठीक है, सैनिटाइजर और पे लोशन सारा कुछ होंगे एंड हैंड ड्रायर्स। ये कई सारे जड़े एयरपोर्ट्स ने उत्थे डायपर्स भी अवेलेबल होंगे, वाइप्स भी अवेलेबल होंगे, तो मॉल्स भी अवेलेबल होंगे, तो फाइंड आउट कराया करो एंड उत्थे बेबी नू लेके जाया करो। यात्री कृपया ध्यान दें, आप अपना अपने अपने घर वाले साथ में लेके चलें। नहीं नहीं पिछली बारी रोक लिया सीनू हाँ जुत्ती ला ला दो नंबर हो गया कुड़ी दा साड़ी दा प्ले स्टार्ट। परी घरे जाके कले कले गल का जवाब लेना पहले। इन्हों सीट चाहिए सी कॉर्नर वाली, तो इन्होंने कहा अंकल को तुम शिफ्ट हो जाओ, तो कहते मैं नहीं होगा, कहते मेरे किडनी सुनो मुझे बार बार सुसू जाना पड़ता है। मतलब बिल्कुल मैनर्स नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो ऐदा नहीं बोल, झूठ च भी नहीं बोली दे ऐदा दी गल ठीक है। पहले की कहते ने हां और लगे की सी पैरालिसिस। हां मुझे पैरालिसिस मतलब मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैरों दे लेसेस खुले हुए, लेसेस लेसेस मेरे पैरों दे लेसेस खुले हुए, मैं आगे तक ला दूं ना शूज दे लेसेस होते पैरों दे। हां यार इतना झूठ कौन होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा होता भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇਗਾ ਇਹ ਪੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ भाभी बैठे दो रिकॉर्ड हो गया है। फ्लाइट अपनी रेडी होगी, चलो आप चलिए हम। अच्छा गुड फ्लाइट, तो आ देखो ये बीबी टैगदी नहीं है भी छड़ दो थले बस मैं खेडना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਬਾਏ।